2023 विश्व कप भारत को दे दो यार। अपनी आंखें बंद करो और कृपया ये एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की सबसे प्रतिष्ठित ट्रॉफी भारत को ही दो। दोस्तों ये बताएं कि ICC भारत को विश्व कप फाइनल्स से पहले क्यों नहीं देना चाहिए। भाई मेरे, ऐसा ब्रांड ऑफ क्रिकेट कोई खेलता है क्या? पहले 5 मैचों में भारत ने दूसरी पारी में बैटिंग किया और आसानी से लक्ष्य का पीछा किया, और दूसरे मैचों में जब भारतीय टीम पहली पारी में बल्लेबाजी करने उतरी तो उन्होंने बड़े स्कोर बनाए, और बाद में दूसरी पारी में भारतीय गेंदबाजों ने विपक्षी टीमों पर कहर बरपाया। ऐसा टीम तो नहीं देखा रे बाबा, मतलब दबदबा बना के सामने वाली टीम को मैच से आउट या पूरी तरह खत्म करने की कला इस भारत टीम ने ऐसी अपनाई जैसे मानो जिद्द पर अड़ गए हों। एक शब्द है अंग्रेजी में डोमिनेशन, इंडिया इज ऑन मिशन डोमिनेशन। इस विश्व कप में भारत का डोमिनेशन हर डिपार्टमेंट में दिखा, चाहे बैटिंग हो, चाहे बॉलिंग हो, चाहे फील्डिंग हो, या चाहे रोहित शर्मा की कप्तानी हो। भारत के फैंस को इतना मजा तो कभी नहीं आया होगा। सामने टीम कोई भी हो, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड या साउथ अफ्रीका, सबको भारत की टीम ने भगा भगा कर धूल चटाया। क्या बात क्या बात। भारतीय क्रिकेट टीम के शानदार और रूथलेस प्रदर्शन से पूरा क्रिकेट जगत चकित है। भारतीय प्रशंसकों का नीला समुद्र स्टेडियमों में ऐसा उमड़ रहा है जैसे वे भारतीय टीम के 12वें खिलाड़ी हों। जहां जाओ या टीवी चालू करो, बस एक ही चीज दिखाई और सुनाई देता है, वंदे मातरम वंदे मातरम। भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन की बात करें तो वे खतरनाक नजर आ रहे हैं और विश्व कप अपने नाम करने के लिए तैयार हैं। कप्तान रोहित शर्मा जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे हैं वह लाजवाब है और दूसरी टीमों के लिए खतरनाक है। उन्हें आउट होने का थोड़ा भी कोई डर नहीं है। रोहित टीम को तेज तर्रार और परफेक्ट शुरुआत दे रहे हैं। जब किंग विराट कोहली बल्लेबाजी के लिए उतर रहे हैं तो वे सावधानी और आक्रामकता के साथ खेल रहे हैं, जिससे वह उनके आसपास बिना ज्यादा विकेट खोए बड़ा स्कोर बना रहे हैं। रोहित की ठोस नींव, विराट की आक्रामकता, उनके बाद प्रिंस शुभमन गिल, KL राहुल, श्रेयस अय्यर, सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पंड्या की समय पर पारियां भारतीय टीम को विपक्षी टीमों को आसानी से हराने में मदद कर रही हैं। और भारत की बॉलिंग के क्या कहने, वो तो सामने वाले टीमों के तोते उड़ा रहे हैं। पहले इनिंग्स में बॉलिंग करके अपोजिशन को 250 का स्कोर पार करने नहीं दे रहे हैं, और अगर दूसरे इनिंग्स में बॉलिंग कर रहे हैं तो 250 या 300 रनों से भारत को जीता रहे हैं। मतलब अपोजिशन टीम्स का मजाक बना रखा है। अल्लाह जाने क्या होगा आगे टीमों का। सभी खिलाड़ियों की बॉडी लैंग्वेज रिलैक्स्ड है और वे एक यूनिट बनकर हर मैच का आनंद ले रहे हैं। ड्रेसिंग रूम का माहौल स्वस्थ और प्रसन्न है। रोहित शर्मा, विराट कोहली, हार्दिक पंड्या, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी जैसे सीनियर खिलाड़ी टीम के युवा खिलाड़ियों को प्रेरित कर रहे हैं और टीम में अटूट कैमरेडरी बनाए रखने के नए तरीके सिखा रहे हैं, और साथ ही वे अपने नॉकआउट मैचों के रास्ते में सभी प्रतिद्वंद्वी टीमों को बेक ऑफ कुचल रहे हैं। क्रिकेट का यह रूथलेस और एक्सप्रेसिव अप्रोच पहले कभी किसी भारतीय टीम में नहीं देखा गया है। ये विश्व विजयी गुण पहले विश्व की केवल 2 टीमों में ही देखे गए हैं, 1970 और 80 के दशक की वेस्ट इंडीज टीम और 1990 के दशक से 2011 तक की ऑस्ट्रेलियाई टीम। भारत की टीम को ऐसा देखकर दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। खिलाड़ी मैदान पर हों या मैदान के बाहर, वे भारतीय क्रिकेट फैंस के साथ अपना अनूठा संबंध बनाए हुए हैं। प्लेयर्स फैंस के साथ मस्ती और मजाक कर रहे हैं और उनसे बातचीत भी कर रहे हैं। फैंस को भी इंडियन प्लेयर्स का ये नया रूप खूब पसंद आ रहा है। तो दोस्तों, यह भारत का विश्व कप है। विश्व कप
हमारे घर वापस आ रहा है। भारतीय टीम का परफॉर्मेंस, पॉजिटिव हाइप, जबरदस्त फैन फॉलोइंग, खचाखच भरे स्टेडियम, मौज मस्ती और उस पर से फेस्टिव सीजन, भारतीय क्रिकेट टीम और उनके समर्थकों ने इस 19 नवंबर को आईसीसी एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय विश्व कप जीतने का मूड बना लिया है। और हम सब जानते हैं कि ये खतरनाक और इनविंसिबल भारतीय टीम अपने प्रशंसकों को इस बार दिवाली का बम्पर तोहफा जरूर देगी। अब टीम इंडिया पीछे मुड़कर नहीं देखेगी यारों, जस्ट लाइक अ वाव। जय हिंद, जय भारत।